द न्यू टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स दैट इज कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम हेलो एल्केन्स. स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है CH3Cl. इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3 के लिए होगा मिथाइल और क्लोरीन के लिए हम लेंगे क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड. अगर यही हमने IUPAC नेम करना है दैट इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन. अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें CH3CH2Cl, दो कार्बन है, दो कार्बन एटम के लिए हम लेते हैं इथाइल और Br के लिए लेते हैं ब्रोमाइड. अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो पहले ब्रोमो आएगा, फिर आएगा इथेन. फिर इसी तरह से तीन कार्बन है और हमारे पास फ्लोराइड लगा हुआ है, तो तीन कार्बन के लिए आएगा प्रोपाइल, फिर फ्लोराइड. और यही IUPAC नेम की बात करेंगे तो फ्लोरो प्रोपेन आ जाएगा. अब हमारे पास फिर से तीन कार्बन है लेकिन जो आयोडीन लगा है, आयोडीन जो लगा है वो सेकंड वाले नंबर के साथ लगा है, तो सेकंड वाले नंबर के साथ लगा है तो आइसो, तीन कार्बन प्रोपाइल, आई के लिए आयोडाइड. तो IUPAC नेम में क्या आएगा, टू के साथ है हमारे पास आयोडो, तीन कार्बन प्रोपेन. अगर हम कॉमन नेम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे चार कार्बन एटम है, ब्यूटाइल और क्लोरीन के लिए क्लोराइड. इसी तरह से ये क्लोरो जो है वो वन के साथ लगा है, तो यहाँ पे वन क्लोरो, चार कार्बन ब्यूटेन आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है CH3CH2CH3, चार कार्बन एटम है, तो चार कार्बन एटम के लिए ब्यूटाइल और क्लोरीन के लिए क्लोराइड. क्योंकि ये सेकंड के साथ लगा है तो यहाँ पे सेकेंडरी आ जाएगा, SEC. और अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो यहाँ पे टू के साथ क्लोरो, चार कार्बन ब्यूटेन. नेक्स्ट अगर हम बात करें टू के साथ हमारे पास यहाँ पे चार कार्बन एटम है, ओके, तो टू के साथ, टू के लिए हम आइसो लगाएंगे, चार कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल आएगा और साथ में क्लोराइड आएगा. फिर उसके बाद IUPAC नेम करेंगे तो वन के साथ क्लोरो, टू के साथ मिथाइल और तीन कार्बन है तो प्रोपेन आ जाएगा. वन के साथ क्लोरो है, टू के साथ मिथाइल है, तीन कार्बन हो गए तो प्रोपेन आ जाएगा. इसी तरह से हम नेक्स्ट की बात करें तो टू के साथ क्लोरो है, IUPAC नेम की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादातर तो IUPAC नेम ही पूछे जाते हैं. टू के साथ क्लोरो है और टू के साथ क्या है हमारे पास, मिथाइल है, ये वाला मिथाइल. यहाँ पे टू के साथ ये वाला क्लोरो, टू के साथ ये वाला जो है मिथाइल आ जाएगा और बाकी हमारे पास तीन कार्बन हो गए तो उसके लिए प्रोपेन. अब यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल क्लोराइड. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल और एक के लिए क्लोराइड आ जाएगा. टर्शरी क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे तीन अल्काइल ग्रुप है, तीन अल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी लगेगा. उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास पांच कार्बन है, पेंटाइल आ जाएगा और क्लोराइड. और नेक्स्ट आ जाएगा वन क्लोरो और पांच कार्बन पेंटेन. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप है तो आइसो, पांच कार्बन टोटल हो गए तो पेंटाइल और क्लोराइड. वन के साथ हमारे पास क्लोरो है, थ्री के साथ मिथाइल है, चार कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे भी पांच कार्बन है, ओके, और तीन अल्काइल ग्रुप है, वन टू थ्री, तीन अल्काइल ग्रुप हो गए, पेंटाइल हो गया, पांच कार्बन और क्लोराइड हो गया. नेक्स्ट हमारे पास टू के साथ क्लोरो है, टू के साथ मिथाइल है, चार कार्बन है तो ब्यूटेन आ जाएगा. तो इसी तरह से हमारे पास IUPAC नेम है ये. नेक्स्ट हमारे पास तीन अल्काइल ग्रुप है तो नियो लग सकता है यहाँ पे, और पांच कार्बन है तो पेंटाइल लगेगा, Cl के साथ क्लोराइड. वन के साथ क्लोरो है, टू, टू के साथ दो मिथाइल है, टू टू डाई मिथाइल, और तीन कार्बन हमारे पास आ जाएंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, ओके.